Bye.
मैंने सच बोलने से कभी गुरेज नहीं किया, चाहे इसमें मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। मैं बतौर प्रिंसिपल इन कैडेट्स की न सिर्फ तालीम का जिम्मेदार हूँ, बल्कि इनकी तबीयत और माशरे में दर आने वाली बुराइयों से बचाव की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई है। जिससे ओहदा बरा होने के लिए मैं दिन रात कोशा हूँ। कॉलेज का मुख्तसर तारुफ कराता चलूँ, कैडेट कॉलेज फतेह जंग एक ऐसा इदारा है जो हर कैडेट की तालीम और तरबियत, उनके रोज़मर्रा के मशागिल और नौजवानी के तकाजों के मुताबिक उनके रुझानात की बकर रवायत देखता है। सच ये है कि आप तमाम डाल दिया है, हम इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कैडेट कॉलेज फतेह जंग का प्याम सन 2001 में अमल में आया और इस मुख्तसर अरसा में कॉलेज ने ऐसी रवायत कायम की जो हमारे हम पेशा और हम असर लोगों के लिए मशल राह हैं। हाफिज मुश्ताक अहमद सिकरा और साहबजादा अनवार अहमद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मिलकर कॉलेज की बुनियाद रखी। इब्तदा में कुछ लोगों ने यह गुमान किया कि ये लोग भी कुछ अरसा अपनी सही अला हासिल के बाद अपना बुरिया बिस्तर लपेट लेंगे, मगर ये एक मिशनरी जज्बा के तहत बनाया गया कॉलेज था जो आज भी अल्लाह के फजल करम से पहले से कहीं बेहतर और शान शौकत के साथ मौजूद है। मैं वो साफ क्यों ना कह दूँ जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तेरा दर्द दर्द तनहा मेरा गम गम ज़माना है। मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ कि मौला करीम हमें इस नाजुक जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की तौफीक अता फरमाए। नए आने वाले कैडेट्स को खुश आमदीद कहता हूँ। उनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि आप आसानियाँ और फरागत से काफ़ी लुत्फानंदोज हो चुके हैं। अब कैडेट कॉलेज में जहाँ आपकी तरबियत तफरीक और सेहतमंदाना मशागिल का ख्याल रखा जाएगा, वहीं आप पर कुछ पाबंदियाँ और कवायद और जवाबित के मुताबिक आपकी तालीम पर तवज्जो को भी यकीनी बनाया जाएगा। दूसरे लफ्जों में तालीम के उसूल के लिए आपका तरीक़ेकार बदल जाएगा, आपके शबाना रोज़ मामूलात भी तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह अहबाज ने फरमाया था, दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी, उफक से आफ्ताब को बढ़ गया दौरे गरा ख्वाबी। बाकी बतौर प्रिंसिपल में बच्चों की अखलाकी और जिस्मानी तरबियत, उनकी रूहानी आबियारी और पेशा वराना उमूर में उनकी दिलचस्पी और महारत और उनके अंदर इंसानी आला सफात के फरोग का भी जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पर कभी किसी किस्म का समझौता नहीं करूँगा और हर वक्त अपने आप को इंतजाम के लिए पेश करने में कोई बात महसूस नहीं करूँगा। हम चाहते हैं कि यहाँ दाखिल होने वाला हर बच्चा और हर कैडेट फौज में ऑफिसर बने इंशाअल्लाह। जनाब चीफ गेस्ट, ये कॉलेज एक मिशनरी कॉलेज है। हम इसको जहाँ तक मुमकिन है इंतहाई दयानतदारी से चला रहे हैं और हर कदम कैडेट्स के मफाद में उठाया जाता है, चाहे हमें अपने बजट का खतीर हिस्सा इस पर क्यों ना खर्च करना पड़े। मेस में घी आटे और गोश्त की क्वालिटी का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। बर्तनों की सफाई और मेस वर्कर्स के लिबास, उनकी सेहत और माहौल का ख्याल हिफाज़त सेहत के मुसलमा उसूलों के मुताबिक चल रहा है। मैं बताते खुद मेस में निगरानी के फराइज सर अंजाम देता हूँ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स साहबजादा अनवार अहमद की रहनुमाई हर मामले में हमारे लिए मशल राह है। अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। काबिल एहतराम चीफ गेस्ट, गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमारे लिए इतनी ही अहम हैं जितनी कैडेट्स के लिए तालीम और तरबियत। सालाना मुशायरा एक ऐसी रवायत है जो बधाई को दम तोड़ चुकी है, मगर हमने अल्लाह के फजल से इसे जिंदा रखा हुआ है। बल्कि पाकिस्तान के नामवर शायर अनवर मसूद को दो दफ़ा हमारे यहाँ मुशायरे की सदारत भी कर चुके हैं। मौसीकी का मुकाबला बच्चों के लिए एक सेहतमंदाना तफरी है जिसका इनेकाम हर साल किया जाता है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की तरफ से हर साल बामकसद स्टेज ड्रामा तलबा की तफरी के लिए स्टेज किया जाता है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की तरफ से हर साल बामकसद स्टेज ड्रामा तलबा की तफरी के लिए स्टेज किया जाता है। सुबह की असम्बली में हर तालिबे इल्म का अपनी बाड़ी पर तकरीर करना लाजमी है ताकि इनमें एतमाद पैदा हो, इसलिए इनसे तकारीर कराई जाती हैं। कॉलेज में शूटिंग का भी मौजूद है जो इन्हें एक नई किस्म की दिलचस्पी से आशना करता है। बास्केटबॉल, क्रिकेट और स्क्वैश के खेलों का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा नए ताबीरशुदा स्विमिंग पूल में लड़कों की दिलचस्पी दीपनी है और वो तैराकी भी सीख रहे हैं। ये सब दिलचस्पियाँ अपनी जगह, मगर हम कैडेट्स की दीन तालीम और दीन की तरफ रगबत के रुझान से कभी वाफिल नहीं रहे। पंजाना नमाज की पाबंदी के अलावा सुबह एक मुस्तनद कारी साहब की ज़ेर निगरानी कुरान पाक की तिलावत लाजमी है। अजीम काज अजम के अमय पाल और मिर्जा गालिब की बरसी के मौके पर तलबा के दरमियान तफरीली मुकाबले मुनद करवाए जाते हैं। गर्ज ये कि कोई पहलू कैडेट का तिश्ना न रह जाए।
کالج کا سالانہ مجلہ دس تک ایک مقبول ترین رسالہ ہے جس میں آدھے مضامین کالج کے طلبہ اور اساتذہ کی طرف سے لکھے جاتے ہیں جو یقیناً ان کے علمی اور ادبی ذوق کو مہمیز کرتا ہے۔ ہر ادارے کا حتمی نظم و غیر ان کے تعلیمی بورڈ کے امتحانات کے نتائج ہوتے ہیں جس کی طرف سے پہلے کہیں باقی تمام ادبیوں کو کہنا دیتی ہے۔ لہٰذا میں خفیہ طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال ہمارے 95% کیڈٹس نے بورڈ کے امتحان میں A1 گریڈ میں کامیابی حاصل کی جو کہ ہمارے اساتذہ اور ادارے کی کارکردگی کی گواہی ہے، اور اس رزلٹ میں جس میں 95% طلبہ نے A1 گریڈ حاصل کر کے پنڈی بورڈ سے انحراف شدہ تمام اداروں کا مشغول کیڈٹ کالجز میں نمایاں مقام حاصل کیا جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ جناب چیف گیسٹ، کیڈٹ کالج فتح جنگ کیڈٹس کو ہر سال مطالعے کی دورے پر مختلف تاریخی اور تفریحی مقامات پر بھی لے کر جاتا ہے جس سے کیڈٹس فوری لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کا مطالعہ بھی۔ پلیز ٹو سے دیٹ سم آف آور بریلینٹ کیڈٹس گاٹ ڈسٹنکشنز ان دیئر ریسپیکٹو کلاسز ان دیئر اینوئل ایگزامینیشنز ہیلڈ ان مارچ 2018۔ Traditionally, such cadets are awarded badges and merit certificates for their best performance in the class. However, because of heavy commitment from the chief guest, the first position holders are to be awarded now and the merit certificates to second and third position holders will be awarded later. Now, I request worthy chief guest to award shield and badge the first position holder in the respective class. Please welcome Cadet Malik Shahid from class 6. Position cadets. Ali. Ali Abu Bakar se bhi lena. Second one, Cadet Amir Hassan from class 7. Itna bada tum bhi chote ho. The first position holder in class 8B, Cadet Mehtab Ahmed. Cadet College Fateh Jang nominates every year an outstanding cadet among the lot as Cadet of the Year. I am so glad to call my fellow Cadet Shahzeb Gulchan from class 2nd year, who is being awarded badge of honor for his academic and overall performance. He secured 88% marks in first year board exams. He is also a member of college basketball and cricket teams. Basing on his overall performance, he is holding the appointment of college commander. Now I call college commander Cadet Mohammad Shahzeb Gulchan to come on the stage and receive badge of honor. Please give round of applause. Please give him a big round of applause. सिस्टम में आप बात नहीं कर सकते, आप अपने हाथ को नहीं हिला सकते। इमाम अल्लाह अकबर कहे तो आपने अकबर कहे, उसके पीछे सजदे रुकू में जाना है। सो नमाज भी एक
बहुत अच्छा डिसिप्लिन सिखाती है और किरण पाल की मैं समझता हूँ कि आपके बच्चे जब आ जाएंगे इंशाल्लाह आ गए जो ये बहुत अच्छे डिसिप्लिन और बहुत अच्छे मुसलमान भी बन के निकलेंगे। मैं भी सरदार साहब को कह रहा था कि हमें आज एहसास नहीं है ना माँ बाप को ना बड़ों को ना छोटों को चाहे MLA है चाहे मिनिस्टर है कि कल हमसे इस चीज का भी हिसाब होगा कि ये तुम्हारे पता है जो लोग थे जो बच्चे थे इनको अपने दीन की बात भी बताई कि नहीं बताई। ये सवाल माँ बाप से भी होगा लिहाजा हमें इस तरफ भी ध्यान देना है कि अगर हमने अपने बच्चों को तालीम देनी है तो फकत तालीम नहीं हम बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अच्छी तालीम होगी तो अच्छा इंसान बनेगा और तालीम भी वो जिसको कहते हैं नॉलेज होना चाहिए इल्म हासिल करना चाहिए रटे लगा के जो आजकल बच्चे 99-95% फीसद और कल जो मैं सुन रहा था जो इंतहा हो गई है कि उस्ताद खुद अपनी नौकरियां बचाने के लिए बच्चों को नकले लगा रहे हैं इससे कौम का बिगाड़ होगा अच्छाई नहीं होगी। तो क्रेडिट कॉलेज में ये बहुत अच्छी रवायात है जो मैं खुद रहा हूँ उस्ताद साहब भी हैं और ये नॉलेज का सिस्टम जो है ये डेवलप होना चाहिए रट्टे से काम ना चलाएं बता रहे हैं बच्चों को सिखाएं। आपके कई बच्चे आते कि ये हमने पढ़े थे स्कूलों का से उनको एक कष्ट करे कह दें इंग्लिश के लिख के बता दें नहीं कर सकते। साइंस जब आपने पढ़ाई टेक्निकल आजकल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करने बहुत सारी वीडियोज हैं आपके पास पढ़ाने के लिए तो साथ साथ को चाहिए कि कंप्यूटर पे जाए दुनिया जान के जहाँ एजुकेशन की ट्रेनिंग है उससे सबक हासिल करें और अपनी ट्रेनिंग उसके मुताबिक चलाएं ताकि आप बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। और साथ ही साथ उसका तो काम है कि वो पढ़ाते हैं करते हैं लेकिन वालदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की तरफ तालीम के खास तौर पर जुड़े। आज माँ बाप के पास शाम को अपने बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं है उनको पढ़ाने का टाइम नहीं है। सो इसलिए आप जो दरखास्त है वालदैन से भी जहाँ उसका इतनी मेहनत करते हैं जब ये अभी 3 महीने की छुट्टियों में आएंगे तो सारा को रोके करना आ रहा हूँ ना लैके आ रहा वापस जो मैं लैके तो वालदैन की भी जिम्मेदारी उतनी है तालीम जितनी उसातज़ा की है और ये जो रिश्ता उसातज़ा और शागिर्द का है मेरे आज के दो तीन उस्ताद हैं उनके घुटनों को हाथ लगा क्यों उन्होंने मुझे पढ़ाया इसलिए ये रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का इसको हमने मजबूत करना होगा। किसी वजह उसातज़ा को बच्चों को अपने बच्चों की तरह तालीम देनी होगी उनको ट्यूशन की तरह रुख भेजने के रवायत चल पड़ा और बच्चों को भी अपने उस्ताद की उसी तरह इज्जत करनी चाहिए जिस तरह अपने वालिदैन की करते हैं। जब ये रिश्ता गलत होगा तो आप देखेंगे कि मामला बहुत अच्छे होंगे आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे आपके बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे और वो रिश्ता जो उस्ताद के साथ है मैंने देखा कल भी था इनका एक कैडेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कैन हासिल कर रहा है PF में लेफ्टिनेंट भी है एयरफोर्स में भी चले गए हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है बच्चों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में इनमें से इंजीनियर बने डॉक्टर बने इकोनॉमिस्ट बने लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट वो आगाम से एक सजेशन देने जाऊंगा अपने साथ कि कैडेट कॉलेज बहुत अच्छा एक इदारा है जहां आप समझते हैं कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बन सकता कुछ जो है थोड़े कमजोर भी होते हैं तो अगर उनको हम 2 साल आखिरी मैट्रिक के बाद विद एफर्ट टेक्निकल एजुकेशन भी दे दें तो ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेन वर्कफोर्स पाकिस्तान की बन सकती है और ये पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। जो डॉक्टर बने इंजीनियर उनको जाने दें उनको पढ़ाए लेकिन जो समझते हैं आपको अगर टेक्निकल एजुकेशन आज हम लोग अपना हम इसको बड़ा मायूस समझते हैं कि हमारे बेटे ने प्लम्बर का काम सीख लिया हमारे बेटे ने लकड़ी का नहीं ये हजरात मैंने इनको देखा है ये लाखों रुपए कमाते हैं दो माह में तीन तीन माह में क्योंकि इनके पास एक हुनर है। तो ये बच्चे सिर्फ एफए करके कल कुछ बाहर जाके कदम लगेंगे या नौकरी ढूंढेंगे टेक्निकल नो हाउ होगी टेक्निकल हुनर इनके पास होगा तो ये आपके घर में भी रिजल्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे और पाकिस्तान में भी एक बहुत ट्रेंड होगा।
इसलिए हम चाहेंगे कि कैडेट कॉलेज आपके सामने आप वाल हैं, ये बच्चे जो नए आ रहे हैं इनको वेलकम कर रहे हैं हमने, लेकिन हो सकता है दो दिन के बाद आपको टेलीफोन करना शुरू करने में बड़ा काम पाएगा, तो इसलिए वालदैन को थोड़ा हौसला करना होगा, इन बच्चों को हौसला देना होगा, उनकी बात सुनी होगी, असातिज़ा को इनमें मेहनत करी होगी, उनका दिल लगे और वो तालीम हासिल करें। इसलिए आपको दरख्वास्त है कि बच्चों को ये समझाएं कि ये तालीमी इदारा है जहाँ सख्तियाँ होंगी, वो दिन को 10-11 बजे उठना, घर में कोई जान नहीं चलेगा, शाम को जल्दी सो जाना, ये यहाँ की आदत है। सो ये डिसिप्लिन जो आपको सिखाएंगे, इसमें वालदैन असातिज़ा के साथ जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन के सिखाए सकेंगे। इस अदारे को और तरक्कियां दे, और ये जो नौजवान हमारे आज इस कॉलेज में आ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको अच्छी तालीम से संवारे और इनको अच्छा इंसान बताए। आखिर में दुआ हूँ कि अल्लाह पाक आपको सब को मान रखे, और साथ ही कहते चलो अभी आप सुना फाबी की आयत में तो मान तो मान, सबसे बड़ी नेमत जो मेरे रब ने हमें दी है वो कलमा, और हमें आप सदन सदन का खूंटी बना दिया जिससे कि जन्नत गारंटी हो गई। मेरे रब का वादा है कि जिसने ये कलमा पढ़ लिया, सबसे कमजोर मुसलमान जो आएगा जन्नत में, उसको कहेगा देख तू कहाँ तक देख सकता है, वहां तक तेरी जन्नत होगी, इंसान 100 मील तक देख सकेगा। सो उसकी निमती ये औलादे माशाल्लाह देखे कैसी कैसी तालीम लेके आए आप, यहाँ 6 इदारे में पढ़ा रहे हैं, कई आपके रिश्तेदार बेचारे प्राइवेट स्कूल में घिसेस कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला। तो ये औलादे जो आपको अल्लाह ने दी, ये जो कलमा आपको अल्लाह ने दे दिया है, ये जो आपको हजरत सदर सदम का उंगली बना दिया है, ये हमसे डिमांड करता है कि हम उस रब की तरफ रुजू करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें, और कुछ नहीं, आज मुसलमान अगर सिर्फ अपनी 5 वक्त की नमाज शुरू कर दे तो दुनिया में ऐसा तूफान आएगा इस्लाम का कि जो आज हमारे खिलाफ साजिश हो रही है कभी मुकम्मल नहीं हो सके, और इंशाल्लाह इस्लाम हटाएगा। बस यही है कि कोशिश करें अपनी नमाज की पाबंदी करें, अपनी औलादों की नमाज पर लगाएं, क्योंकि आखिरत के दिन जब उनसे पूछ होगी अगर नमाज, तो कहेंगे मेरे वालदैन ने मुझे नहीं बताया था, उनसे पूछो मुझे नमाज की तरकीब मिली। वालों को अल्लाह पाक आप उसे मान में रखें, और अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और उम्र मुस्लिम में अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए। वबा अल्लाह।